2012 तक जब सरकार रही तो सरकार के पहले एक तीसरी आजादी मूवी आई थी, तो बहन जी ने उसे बैन कराया था। और जय भीम साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं जनता आवाज। जी साथियों, मैं इस वक्त हूँ तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। यहाँ पर भीम आर्मी का प्रथम अधिवेशन है राष्ट्रीय स्तर का, जो 7 साल पूर्ण होने पर, भीम आर्मी की स्थापना होने के 7 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में ये भव्य कार्यक्रम ये भीम आर्मी द्वारा किया गया है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता भीम आर्मी के उपस्थित हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी अपना संबोधन किया है। इसके अलावा विजय रत्न जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे। जानते हैं कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार। कहाँ से आए हो? झारखंड से। तो क्या लगता है, क्या सीखने को मिला आज? बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो हर एक स्टूडेंटों के लिए, हर एक युवाओं के लिए बहुत कुछ मतलब प्रेरणादायक देते हैं। स्टूडेंटों के लिए क्या नया होने वाला है इस प्रोग्राम में, क्या सीखने को मिला? सबसे पहले भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन चलाया जाएगा। इसके तहत हर स्कूलों, हर कॉलेजों में जिस तरह से अत्याचार होता है लोगों को, उसका पूरा एकदम समर्थन मिलेगा। जी साथियों, चंद्रशेखर रावण जी ने अपने बयान में, अपने भाषण में कहा है कि तमाम जो देश भर में कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उनमें भीम आर्मी की स्टूडेंट प्रोक्वेस्ट का निर्माण किया जाएगा। और भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार जगुआ, झारखंड से हूँ। झारखंड से जा। तो कैसा माहौल है झारखंड में, क्या माहौल है बीमारी में? झारखंड, हम लोग झारखंड का माहौल अच्छा है। जैसा बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, यूथ आइकोन है, हम लोग का हिम्मत, ताकत, ऊर्जा, एनर्जी दे रहे हैं, उसी के कारण हम लोग को अभी आगे बढ़ाना है। क्या कुछ सीखने को मिला आज? बहुत कैडर क्लास हुआ, बहुत कुछ सीखने को जोश जूश मिला है, नया ऊर्जा मिला है, नया ऊर्जा लेके जा रहे हैं और अभी जमीन स्तर पर काम करूंगा। भीड़ तो काफी है, हमने भी देखा पूरा स्टेडियम कचाकच भरा हुआ है, लेकिन तमाम जो संगठन है, भोजन संगठन, उन्हें भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होती है? सर, हम लोग को जो बोले ना, अभी जमीन पे हम लोग काम नहीं कर पाए हैं, हम लोग के अंदर गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, उसका जो एंटी पार्टी लोग अपना मिस यूज करते हैं। हम लोग को जमीन पे काम करना है और लोगों को अवगत कराना है कि कौन आपके लिए सही है और गलत है, कौन आपके लिए लड़ रहा है। अगर हम लोग को सही से जागरूक कर पाएंगे, एक जागरूक मतदाता बना पाएंगे, तो वोट में भी कन्वर्ट होगी। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर भागवत राम, झारखंड से मैं हूँ। अच्छा, झारखंड से आए हैं आप, तो अभी पूरी टीम झारखंड की है? हाँ, पूरे झारखंड की। तो मतलब क्या, मतलब किस तरीके से, मतलब समाज में ये भीम आर्मी, समाज में एक्चुअली में बाबा साहब ने जो एक वोट का जो अधिकार दिया है, और भीम आर्मी का ये प्रयास है कि जो अत्याचार शोषण जो हो रहे हैं, और वो बिना राजनीतिक सत्ता का हम बदलाव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, बिना राजनीतिक सत्ता के कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम भैया? विशाल गौतम नाम है, यूपी से, जिला उन्नाव से, जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। अच्छा। जी, तो क्या लगता है, यो यहाँ पर संगठन इकट्ठा हुआ है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी ने मतलब रखा है अपने भाषण के माध्यम से, धरातल पर लागू हो पाएगा? बिल्कुल लागू हो पाएगा। आप देख रहे हैं लगातार, जब से आज 7वां जो है भीम आर्मी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, आप देख रहे थे बहुजनों पे जो आज से 7 साल 8 साल पहले भी जो अत्याचार होते थे, अचानक भीम आर्मी के आने से युवाओं में एक जोश और जुनून आ गया है। जो कि एक कांस्टेबल से बात करने की जब एक युवा में हिम्मत नहीं थी, आज वही युवा एसपी डीएसपी से बात करता है आंखों में आंख डाल के। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी पहले से बहन जी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो इस पर मतलब क्या असर पड़ेगा, क्या कैसे निर्णय कर? जब तक मानवर काशीराम साहब रहे तब तक इस संगठन, बहुजन भाई, बहुजन संगठन में बहुजनों को राजनीति में लाने वाले हमारे गुरु मानवर साहब थे। लेकिन बहन जी चली, लेकिन जब तक मानवर साहब जिंदा रहे, बहन मानवर साहब के गुजरने के बाद बहन जी एक भटक गई। क्योंकि हमने ये देखा है, जब तक 2014 तक इनकी सरकार रही, तो सरकार में 2012 तक जब सरकार रही तो सरकार के पहले एक तीसरी आज़ादी मूवी आई थी, तो बहन जी ने उसे बैन कराया था। और पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जो रामायण थी, क्या लगता है क्यों कराया? कुछ बहन जी अब सत्ता के लोभ में आ चुकी हैं। बहन जी जिस जो समाज ने एक उम्मीद जताई थी मानवर साहब के मिशन को लेकर, बहन जी वो मिशन भूल चुकी हैं। अब हम और इस देश के जितना भी शिक्षित हुआ है, वो हर युवा चंद्रशेखर भाई को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने बाबा साहब और मानवर साहब के मिशन को पहचान कर उस मूवमेंट को उठाकर, भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम विवेक कुमार वाल्मीकि है। जी, कहाँ से आए? झारखंड से आए।
क्या लगता है मतलब जो बहुजन मूवमेंट में बीमारी अपनी जगह बना पाएगी? देखिए आज हम ये बता देना चाहते हैं कि ये ताल कोटोरा कोटोरा जो स्टेडियम है और हम लोग आज ताल ठोक कर बोलते हैं कि 21वीं सदी भी बाबा साहब की होगी और हमारी होगी और बहुजन मूवमेंट चंद्रशेखर के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो। अभी वाल्मीकि समाज मतलब कितने स्तर तक जुड़ा हुआ है बीमारी? देखिए वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी समाज के रूप में, और जहाँ तक ये मूवमेंट हम लोग ले जा रहे हैं माननीय काशीराम साहब का और हमारा दीना भाना वाल्मीकि साहब का, हम लोग अपने बहुजनों का जो विचारधारा है उस समाज को हम लोग वहाँ पर ले जा रहे हैं और समाज को मतलब कि भीम आर्मी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये थे साथी हम तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, और यहाँ पर भीम आर्मी का प्रथम अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर का रखा गया। तमाम जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता, तमाम युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं ब्रजमोहन, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ, धन्यवाद।